यू टर्न पे हर्षित ईशान लौंडे कड़क है, सुन ले बात ये है, मार ले बेटा यू टर्न, तू भी रेड एफएम पे। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से हमें भुवनेश्वर के दो कड़क लौंडे हर्षित और ईशान मारते हैं आपके साथ यू टर्न। और भाई यार, रेस 3 का जब से ट्रेलर आया है ना, हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। और इसका स्पूफ बनाया है हमारे उड़ीसा के ही कुछ लोगों ने, और खुद सलमान खान ने जब उनका ये वीडियो देखा तो खूब सारी तारीफ की और हंस हंस के सच्ची में हर्षित इतना लोटपोट हो गए, और मतलब उन्हें सांस लेने में ऐसा लग रहा था जैसे दिक्कत हो रही है। तो ओए टीवी के मेंबर्स हमारे साथ में हैं जिन्होंने बनाया है ये रेस 3 मूवी का स्पूफ। ये रहे हमारे साथ में पूरा टीम मेंबर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो चैनल है आपका वो कब बना और मेंबर्स जो है वो कौन कौन है। हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और मैंने इस वीडियो में किरदार निभाया था अनिल कपूर जी का। अच्छा। और मेरे साथ है सैंकी। हाय गाइस, मैंने बॉबी देओल का कैरेक्टर निभाया है। ये है बबुल, इन्होंने सलमान का कैरेक्टर निभाया है। और ये है सेरी, जिन्होंने डेजी सा और साकिब का कैरेक्टर निभाया, इसको तो आप सबको ही जानते हैं। ये है संज्ञा, जिन्होंने जैकलिन का कैरेक्टर निभाया है। तो मेरे दोनों हाथों की तरफ से मैं दोनों को स्वैग से। तो भाई ये बताओ कि मतलब जो रेस 3 मूवी है इसका बजट तो बहुत ज्यादा है, करोड़ों में है, लेकिन इसका जो स्पूफ बना है उसमें कितना बजट लगा आपका? देखिए, हमारा बजट ऐसा कुछ नहीं है, बस वही शूट के बाद जो हम बैठ के चाय नाश्ता वही करते थे, ऐसा कुछ बजट नहीं है, खुद का कंट्रीब्यूशन कर लेते थे, ऐसा कुछ बजट नहीं लगा इसमें। ओके, तो आइडिया कहाँ से आया कि स्पूफ बनाने चाहिए? देखिए, पहले बात है, सलमान के हम लोग बहुत बड़े फैन हैं, और रेस 3 का ट्रेलर जब आने का अनाउंसमेंट हुआ था 15 मई को, तो हमने प्लान किया था स्पूफ। वैसे हम बहुत सारे कर चुके हैं, सलमान खान का हमने वांटेड किया था, टाइगर जिंदा है किया था, जिनका कैरेक्टर सेम बाबुल भाई ने ही निभाया था। तो क्या हमारा जो रेस 3 का आने वाला था, हम लोग पहले से प्लान किए हुए थे, जिस दिन आएगा उसके नेक्स्ट दिन से हम काम शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो जैसा कि हम लोग, जैसे रेस 3 का ट्रेलर आया, नेक्स्ट दिन से हम लोग को 11 डेज लगा, हम लोग दिन रात करके पूरा शूट कंप्लीट किए। और शूट वीडियो आने के बाद हम लोग को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इससे पहले बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी आ चुके थे, और हमें मतलब बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हम लोग का वीडियो इतना ज्यादा वायरल होगा। तो अब जैसे कि है ना, ये कास्ट सिलेक्शन जैसे किया होगा स्पूफ बनाने के लिए, तो कोई डेजी शाह है, तो आप जैसे बॉबी देओल बने हो जैसे बताया आपने, तो कैसे मतलब राजी कैसे किया मतलब भाई को डेजी शाह बनाया? हाँ, तो ये है कि ईशान जी, हाँ, ये हमारे चैनल में बहुत दिन से फीमेल का कैरेक्टर निभाते हुए आ रहे हैं, और शुरू में उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता था, फिर वो ठीक ठाक हो गया। Okay. और जब उसको हमने बोला कि आ तेरे लिए एक मेल रोल है, और तुझे एक अच्छा सा रोल देंगे रेस 3 में, वो खुशी से आया है। और जब उसको पता चला कि हम उसको डेजी सा का प्ले कर रहे हैं, वो भाग गया। बहुत मना के रिक्वेस्ट करके उसको डेजी सा का रोल दिए हैं, बहुत मना कर रहा था, लेकिन देखिए फिर हाँ बोला, और वो हाँ से बहुत कुछ। वैसे भाई, मैं हम लोग भी छोटे मोटे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो मैं भी कई बार फीमेल कैरेक्टर करता हूँ, कोई भी रोल छोटा मोटा नहीं होता। और तो एक चीज हर्षित, मतलब डेजी शाह के बारे में बात हो रही है, तो एक डायलॉग जो आपने उस मूवी में लिप सिंक किया है, तो भाई बोल के बताओगे क्या नाम है आपका? एक बार माइक के पास, माइक के पास आके वो एक बार डायलॉग बोल दो यार। Our business is our business, none of your business. ये तो यार सतीश शाह की आवाज में बोल रहे हैं, डेजी शाह का हुई है, लड़की वाली अंदाज में बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो अगला सवाल हम बिल्कुल अगला सवाल यही मैं पूछना चाह रहा था कि सलमान खान, उनकी वजह से हम लोगों को भी यू नो वो वीडियो का पता चला रेस 3 स्पूफ का, तो जब आपको ये बात पता चली कि सलमान भाई ने अपने 10 का दम में उस वीडियो को दिखाया है, तब क्या रिएक्शन था? पहला बात देखिए, रेस 3 का जो हमारा ट्रेलर स्पूफ था, उसमें कमेंट्स आने लगे कि सलमान वॉच्ड योर ट्रेलर स्पूफ, तो हम लोग को यकीन नहीं हुआ। अच्छा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सबको शेयर स्क्रीनशॉट मार के भेजने लगे। ओके। मैं हम लोग को लगा फेक है, जब कमेंट्स का बढ़ते गया, नंबर्स कमेंट्स के बढ़ते गए, तो हमने सर्च किया, तो किसी ने कमेंट्स में ही उसका लिंक छोड़ा था। अच्छा। और जब वो वीडियो हमने देखा, तो कुछ पार्ट हमारे जो कार्स वार्स यूज हुए हैं, जो भी हमारा कुछ कुछ दिखने लगा, तो लगा हाँ ये प्ले सलमान। उस टाइम पूरा वीडियो नहीं आया था, नहीं आया था, फुल स्क्रीन नहीं आया, फुल स्क्रीन आया, जब नेक्स्ट दिन फुल आया है, तब जाके हम लोग को यकीन हुआ, और सच में हम लोग अभी तक भी सदमे में हैं। तो इन भाई साहब ने सलमान खान का रोल किया है। जी जी। तो वैसे एक्चुअल में आपका नाम क्या है, थोड़ा सा माइक के पास आके अगर आप बोलोगे तो।
आई एम बबुल। तो बबुल सलमान खान का डायलॉग हो जाए भाई। बहुत बड़े फैन है वो। वो लग ही रहा एकदम। तो फिर चलने का स्टाइल, तो एक डायलॉग जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो सलमान भाई का, तो आप बोल सकते हो। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, हो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। क्या बात है। सो मतलब बॉबी देओल भी है सलमान खान के साथ में और बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हैं ये मूवी में भी। तो जैसे बॉबी देओल के बारे में सुनने में आया था कि उन्होंने काफी वेट लूज किया है अपना, तो आपने क्या तैयारी की बॉबी देओल बनने के लिए? तैयारी बहुत की है। अच्छा, जैसे हमने ड्रीम कराया, हेयर कट कराया, और सबसे मेहनत लगा बहुत देर तक पेट अंदर करके हम लोग रखना पड़ा। लेकिन एब्स नहीं बनाया आपने, मतलब जो मेन बना था वो नहीं बनाया आपने। वो फिर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा पेट भी दिखना बनता है। तो मैंने बहुत देर तक पेट को अंदर करके रखा। अच्छा। तो वैसे एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, पूछना चाहूंगा कि स्पूफ जो है इतना ज्यादा रिस्पांस मिला है अच्छा, और इतना लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्या रेस 3 मूवी जब आएगी तो उसका भी स्पूफ आप बनाएंगे? पक्का बनाएंगे। जब 15 जून के बाद जब रेस 3 रिलीज होगा, उसमें से मतलब पिक्चर में जो मेन पार्ट होगा हम लोग उसी को बनाएंगे और सलमान भाई को दिखाएंगे पक्का। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका मतलब कितने सारे लोग हो ग्रुप में? ग्रुप में टोटल 40 मेंबर्स है। और तो जो 40 लोगों का मतलब खर्चा पानी, मतलब शूटिंग भी करते हो तो खाना पीना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि आपने मतलब चीजें भी यूज करी हैं स्पूफ के लिए, तो बजट कहाँ से मतलब निकाल दो, कैसे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बजट तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब शुरुआत में हम लोग खुद का खर्चा निकाले थे पॉकेट मनी। अभी करीब एक साल हुआ हम लोग को यूट्यूब से कुछ मिल जाता है, जो अर्न हो रहे हैं उससे। हमने एक DSLR परचेज किया, स्टैंड, लाइट्स, बहुत सारी चीजें हमने खरीदी है, और जो भी 40 मेंबर्स है जब भी शूट होता है ये होता है, सब हम नाश्ता पानी जो भी टिफिन उफिन करके खुशी से पूरा एज पूरा फैमिली की तरह है। और तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिलता है, पेरेंट्स वगैरह बहुत सपोर्ट है, फुल सपोर्ट, इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप इस लाइन में और इस मतलब यूट्यूबर बने आप। जैकलीन जो बनी थी यानी कि संज्ञा, उनको भी हम सुनना चाहेंगे। हाँ। तो संज्ञा कोई भी डायलॉग आपको याद हो आपके पुराने प्रोजेक्ट्स या फिर जैकलीन का कोई भी, हाँ। तो वो हम सुनना चाहेंगे। और फैमिली का सपोर्ट कितना मिला आपको वो भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत मिला, सब खुश है, और मुझे भी बहुत खुश लग रहा है कि यहाँ सब लोग कितने खुशी से एक्सेप्ट कर लिए सब। और आगे एक्ट्रेस बनने का सोचा है? हाँ, एक्ट्रेस बनने का सोची भी हूँ, और कुछ मामा मम्मी पापा का ड्रीम्स भी फुलफिल करना है। और थैंक्स टू राहुल भाई, वो मुझे तो इंटरेस्ट था लेकिन ऐसे कुछ सोर्स नहीं था कि मैं आऊँ इस लाइन पे, कैसे आऊँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। क्या बात है। वैसे अभी हम जानना चाहेंगे कि आगे और क्या प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं। राहुल भाई आपसे भी जानना चाहेंगे और भैया आपसे भी। आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में ये बोलना चाहता हूँ, जैसे ही मूवी रिलीज होता है सलमान भाई का, हम उसमें से बेस्ट पार्ट निकालेंगे और उसपे स्पूफ बनाएंगे और कोशिश करेंगे उसको रेस 3 ट्रेलर से और अच्छा करने का। फिर और एक वीडियो पे शूट चल रहा है हमारा, देसी बॉयज वर्सेस सिटी बॉयज, इसका शूटिंग चल रहा है, वो बहुत जल्द रिलीज होगा। और फिर प्लान कुछ ओडिशा के बारे में हमने सोचा है कि ओडिशा के बारे में गाना लिखा है और रिकॉर्ड भी हो चुका है, वो बस उसपे वीडियो बनाना बाकी है। ओके, अच्छा, तो अभी आप रेड एफएम में फाइनली अब हम पे आ जाते हैं कि यूट्यूब पर आकर रेड एफएम पर आकर आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो एक तो सदमे में थे, ठीक है, ऊपर से रेड एफएम में आके इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू है हमारा, बहुत ही खुश है, नर्वस भी बहुत है, जवाब कैसे दे रहे पता भी नहीं चल रहा है, यकीन नहीं था कि यहाँ बैठेंगे, बहुत खुशी। तो आप तो नर्वसनेस नहीं लग रही है, लोग हम लोग आपके साथ में बात कर रहे हैं। जब आप लोग दोनों आरजे से मिल लिए, भाई लोग से मिल लिए, अपना जैसा लगा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार बोल दीजिए, यू टर्न मारते रहो और रेड एफएम बजाते रहो, हर्षित ईशान के साथ यू टर्न मारते रहो और रेड एफएम बजाते रहो। क्या बात है। और आई होप यार आगे आप लोग जो भी प्रोजेक्ट्स करेंगे हमको भी बताएं, हम जरूर अगर टाइम होगा तो बिल्कुल हम लोग भी आपके साथ। यू टर्न पे हर रोज शाम को मौज लूट लो इनके साथ में, हर्षित ईशान लौंडे कड़क हैं, सुन ले बात ये, मार ले बेटा यू टर्न, तू भी रेड एफएम पे। यू टर्न भुवनेश्वर के दो छोकरे आरजे हर्षित और ईशान के साथ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।